गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर बॉय जी। सॉरी तो थोड़ा फॉग फॉग हो रहा है, बहुत बारिश हो रही है, तो अभी जाके रुकी है बारिश। तो हम जा रहे हैं अपनी बाइक का सर्विस कराने का, बहुत हालत ख़राब है। आगे का टायर का क्या बोलते हो, कुछ तो गया है यहाँ से, वो चला गया मेरे को दिमाग में। बैटरी किक से स्टार्ट हो रही है, बैटरी भी पता नहीं चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सारा मगज आ रही है, आप लोग इन्जॉय करिए। मैं कल या परसों, मुझे याद भी नहीं है, मैं कहीं तो गया था, आप लोग वो एंजॉय कीजिए। तब तक मैं इसको सर्विस कराता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या क्या चेंज किया। I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways a hundred of times with the same soul. But do you ever try to puff on the right side, put it up in your mind? Ever try to pop on the left side, put it up in your eyes. तो आप वो वॉल देख रहे हो, वो छोटा सा वाटरफॉल बहुत मस्त लग रहा है। और यहाँ पे सब हम लोग खेल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा गंदगी है कोई बात नहीं, लेकिन ये पानी पूरा ब्लू है। कैमरा उसने दिखा नहीं था, जैसे इसने कहा था पूरा पानी ब्लू है। और बहुत से शॉर्ट जगह है, बहुत अच्छा है। ये दो जन आते हैं, हम चार लोग यहाँ पे मजे कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे वो काम चल रहे थे, बहुत पानी गंदा है, लेकिन ये पानी बहुत साफ है, अच्छा ज़्यादा साफ है पानी। यहाँ पे बेसिकली गणपति विसर्जन करते ना, उसको बोला देखो कचरा ही दे यहीं पे है। अच्छा बेस्ट है, बहुत गहरा है, इसलिए हम लोग ज़्यादा दूर और नहीं आ रहे। पानी पूरा सब पूरा ब्लू है। यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है, मेरी गाड़ी पता नहीं क्यों स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो मैंने किक मार के बहुत ट्राई करके स्टार्ट हो गई थी। मैं शूट नहीं गया क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी, भाग भाग के आए हम लोग। तो अभी यहाँ पे देखते निकलते यहाँ से, देख स्टार्ट होती है कि नहीं। आई होप आप लोग ने इन्जॉय किया रहेगा वो सीन। वो मेरे घर से बेसिकली यहीं पर 5 किलोमीटर, बेसिकली 5 किलोमीटर होगा मेरे को, 20 से 10 मिनट लगता है। तो बहुत अच्छी जगह है वहाँ पे, तो वैसे बेसिकली अभी यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं एक्सप्लोर करने के लिए। धीरे धीरे करूँगा, मैं आपको सबको दिखाऊँगा। नायगांव विरार वैसे बहुत अच्छी जगह है एक्सप्लोर करने में, बारिश में बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ पे हमने पूरा सामान ले लिया अपना, पूरा शॉपिंग कर लिया, मतलब सब्जी वब्जी सब कुछ ले लिया। कल को हम लोग ऐसे ही 2 दिन 1 दिन में लेते तो परफेक्ट हो गया। तो अभी डैडी कांदे ले रहे, तो अभी देखते, अभी हमको वड़ा पाव खाना है और एक काम है वो करना है, वड़ा पाव खाना है। मुँह में पानी आ रहा है, बेसिकली मैं 2 दिन पहले खाया था वड़ा पाव, खाने का अलग ही मज़ा आया था बारिश में। तो और नसीब आज बारिश नहीं हो रहा, धूप निकला है, बहुत अच्छी बात है। ऑलमोस्ट 1 हफ्ते बाद धूप निकला है, 1 हफ्ते बाद। हाँ तो यहाँ से करते, और वैसे मेरा भी ड्राइविंग लाइसेंस का, इसका कार का मतलब 4 व्हीलर का, बाकी जो RTO का बंद है ना, तो अरे अरे आराम से RTO बंद है, तो अभी वो खुलेगा ऑलमोस्ट 15 को खुलने वाला है। तो देखते क्या सीन होने वाला है, फटफट हो जाए मैं एकदम फ्री हो जाऊँ, फिर बाहर जाने हो जाएगा। इसके चक्कर में कहीं बाहर भी नहीं जा रहा हूँ अभी, बेसिकली गाड़ी भी अपनी तैयार हो जाएगी, तो मस्त धीरे धीरे आप लोग बाहर निकलना चालू करेंगे। तब तक आप लोग मेरा रिएक्शन ये इन्जॉय कीजिए। मैं बेसिकली अभी शेड्यूल कर रहा हूँ कुछ अच्छे अच्छे करने के लिए। आई होप सब अच्छा हो, तो आप लोग का प्यार रहेगा तो होते रहेगा अच्छे से। तो प्लीज़ गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जाओ यार, मेरे सब्सक्राइबर पता नहीं कर, कोई बात नहीं सब अच्छा होगा। तो मिलते हैं अभी, वड़ा पाव खाते हैं। इधर डैडी कब से नीचे से ढूंढ ढूंढ के कांदे निकाल रहे, कब से एकदम नीचे नीचे से कांदे निकाल रहे। मेरा दादा फटफट ऊपर से निकाल रहे था यार, लेकिन सही है। यहाँ पे जो देख रहे हो आप लोग, ये पूरा मेरे गाड़ी के डिक्की में था, पूरा पानी वानी सब कुछ है। पापा चिल्ला रहा था मेरे को। और यहाँ पे एक बुक रखा है, ये पता है ये कौन सा बुक है, ये मैथ्स का 9th का या 8th का बुक है, मेरे को खुद को नहीं है, 8th का बुक है बताओ। ये मेरे फ्रेंड का था, उसका था, तब से मेरे डिक्की में पड़ा, पूरा डिक्की में ख़राब हो गया यार। यार इसको भी क्या पता क्या करना है मेरे को, इतना कचरे सब पाने पता है, पूरे पाने पड़े इधर। डैडी चिल्ला रहे थे बहुत, हो गया कि नहीं डैडी का, होगा होगा। और मैं कुछ लेके भी नहीं गया था, मैंने घर पे भी खाली नहीं गया, मुझे पता जाना है, लेकिन मेरे को पता है सब कुछ है, लेकिन नहीं। तो अभी सब उसको अच्छे से रखना पड़ेगा, गाड़ी के पेपर वेपर भी अच्छे से करना पड़ेगा, बारिश में पूरा पेपर भीग सकते हैं। तो
बहुत गर्म हो रहा है यार, जल्दी आ जाओ। मैं कांच वाच बंद करके रखता तो बाहर से आवाज ना आई, इसीलिए। तो चलिए जाते हैं फटाफट, बहुत सारे सामान बाकी भी है। जैसे घर से बाहर निकलो ना तो बहुत अजीब लगता है, आदत नहीं है ना, अभी 2 महीने से घर पे बैठे। तो अभी का सीन ऐसा है कि मेरी गाड़ी मस्त फर्स्ट क्लास एकदम रेडी हो चुकी है, बस एक ही प्रॉब्लम है उसका कि वो बैटरी चार्ज नहीं ले रही है। गाड़ी को मुझे चलाना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कि वो इशू आ रहा है कि नहीं, नहीं तो उसके बाद उसको चार्ज करके बैटरी अगर तो भी नहीं ठीक हुआ तो फिर मतलब फाइनल चेंज करना पड़ेगा। तो मैं भी एडिट कर रहा था वीडियो, तो मेरे को याद आया कि मैंने फाइनल एंडिंग शूट नहीं किया। तो मैंने बेसिकली गाड़ी में मेरा पार्ट जो चेंज हुआ है वो मैं आपको बोला था मैं बताऊंगा। तो मेरा जो बैरिंग गया था आगे का टायर का, तो पूरा टायर हिल रहा था, वो चेंज हुआ है और क्लच वायर चेंज हुआ। बाकी की सर्विस हुई, गाड़ी मस्त एकदम मक्खन हो गई है गाड़ी। तो अभी जैसे थोड़ा बारिश कम वम होगा तो हम एक और अच्छी जगह पर जाएंगे। आई होप आप लोग ने इंजॉय किया रहेगा ये वीडियो। ऐसे मैं हर संडे को व्लॉग लाते रहूँगा, अभी मेरा प्लान ऐसा है। तो इसी बात पे आप लोग इंजॉय कीजिए, मैं ये एडिट करके। दो। तो इधर से वहाँ पे जा रहा सीधा। बहुत बड़ा रहा जब मार रहा है जरा।